हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लिटरेचर क्वेस्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नसीम अज़ीक़ल, जो कि हमारे एक इंडियन इंग्लिश पोइट्री के काफ़ी बेहतरीन पोएट हैं। उनकी बायोग्राफी एंड उनके जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स थे और उनसे रिलेटेड अदर जो भी फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं आपके, अदर LT का हो, लेक्चरर का हो, नेट का हो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, तो उन सभी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो स्क्रीनिंग वाले जो मैं टॉपिक्स डाल रही थी कल से, यानी कि जो उत्तराखंड लेक्चरर के स्क्रीनिंग का सिलेबस है, अब उससे रिलेटेड सारे वीडियोस मैं अपने दूसरे चैनल पर डालूंगी। बिकॉज एक ही चैनल पे कभी इंग्लिश के कभी स्क्रीनिंग के वो काफ़ी हौचपौच सा हो रहा था, इस वजह से मैं वो वीडियोस अपने दूसरे चैनल पर डालूंगी। और इस चैनल पर हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस चल रहे थे एज यूजल वैसे ही चलेंगे। तो मेरे दूसरे चैनल को भी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उस चैनल को शेयर करें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और निज़ाम अज़ीक़ल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, निज़ाम अज़ीक़ल वॉज एन इंडियन ज्यूइश पोएट। ये कैसे थे? ये एक इंडियन ज्यूइश पोएट थे, पूछा जाता है काफ़ी बार। जैसे आपको तीन चार पोएट्स के नाम दे देंगे एंड क्वेश्चन ये आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ज्यूइश पोएट, तो वहाँ पे हमारा आंसर होगा निज़ाम अज़ीक़ल। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज बॉर्न ऑन 16 दिसंबर 1924 एंड ही डाइड ऑन 9 जनवरी 2004। लाइफ स्पेन पूछा जाता है, तो इनका लाइफ स्पेन है 1924 to 2004। नेक्स्ट पॉइंट, बर्थ प्लेस मुंबई बॉम्बे, हिज बर्थ प्लेस इज मुंबई एंड ही वॉज एन एक्टर, प्ले राइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक। ही वॉज बॉर्न इन अ बेने इसराइल फैमिली। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है, बेने इसराइल, इसको प्लीज़ याद कर लेना। बेने इसराइल क्या है? बेने इसराइल एक स्मॉल कम्युनिटी है, एक समूह है ज्यूइश पीपल का, जो कि मराठी स्पीकिंग पीपल होते हैं, यानी कि ज्यूइश पीपल का एक ग्रुप जो कौन सी लैंग्वेज बोलता है, जो मराठी लैंग्वेज बोलता है। तो बेने इसराइल पूछा जाता है टू विच कम्युनिटी निज़ाम अज़ीक़ल बिलोंग, तो निज़ाम अज़ीक़ल बिलोंग्स टू बेने इसराइल। एंड हु आर बेने इसराइल्स? बेने इसराइल्स आर स्मॉल कम्युनिटी ऑफ ज्यूइश पीपल हु स्पीक्स मराठी। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिक्स जो थे निज़ाम अज़ीक़ल को मानते थे एज अ पायोनियर और एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री। तो ये भी पूछा जाता है हु इज प्रोबेबली नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री या मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री, तो निज़ाम अज़ीक़ल। एंड इनके फादर की बात करें पर्सनल लाइफ की, सो हिज फादर वॉज अ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट विल्सन कॉलेज बॉम्बे। एंड जो इनकी मदर हैं वो अपने ही स्कूल में प्रिंसिपल थी, इनका जो खुद का स्कूल था वहाँ पर इनकी मदर प्रिंसिपल थी। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की है? तो ही स्टडी BA एंड MA एट विल्सन कॉलेज बॉम्बे। विल्सन कॉलेज जहाँ पे इनके फादर प्रोफेसर थे वहीं से इन्होंने पढ़ाई की है। एंड पर्सनल लाइफ की बात करें तो ही मैरिड विद डेसी जैकॉब इन 1952। ये भी पूछा जाता है इन विच ईयर अज़ीक़ल गॉट मैरिड, सो इन 1952। नेक्स्ट पॉइंट, ही स्टडीड वो फिलोसफी एट बिरब्रेक कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में गए थे फिलोसफी पढ़ने के लिए, बट वहाँ से ये विदाउट डिग्री वापस आए। नेक्स्ट पॉइंट, ही को फाउंडेड द लिटरेरी मंथली जंपो इन 1961। ये भी याद कर लेना, पूछा जाता है। तो इनके लिटरेरी मंथली का नाम था जंपो, इन विच ईयर? इन 1961। नेक्स्ट पॉइंट, जॉब प्रोफाइल इनका इन 1961 to 1972, ये क्या रहे थे? ही सर्व्ड एज HOD ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट एट मिठीबाई कॉलेज मुंबई, तो वहाँ पे ये HOD रहे थे। नेक्स्ट, ही एडिट, इन्होंने काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में काम किया एज एन एडिटर, तो कौन कौन से न्यूज़पेपर में काम किया पूछा जाता है। इन्होंने किया क्वेस्ट, पोएट्री इंडिया, द इलुस्ट्रेटेड वीकली एंड द इंडियन पेन। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इसमें से किसी भी एक पेपर का नाम दे देंगे वहाँ पे, इसको आप याद रख लेना। नेक्स्ट, ही रोट एन रेगुलर कॉलम ऑन आर्ट्स फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये किसके लिए लिखा करते थे एक रेगुलर कॉलम टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए? ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में।
नेक्स्ट पॉइंट, इन 1976 1976 ही ट्रांसलेटेड नेहरूज पोएट्री फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी इन कोलाब्रेशन विथ वृंदा नेबर. तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हु ट्रांसलेटेड नेहरूज पोएट्री फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी, निसर म्यूजिकल, इन विच ईयर, इन 1976, विद हुम ही ट्रांसलेटेड नेहरूज पोएट्री विद वृंदा नेबर. नेक्स्ट पॉइंट, ही रिटायर्ड एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे. नेक्स्ट, इनके अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था 1983 में. और ये किसके लिए मिला था? ये इन्हें मिला था लेटर डे साम्स के लिए, जो कि इनका एक कलेक्शन है पोएट्री का, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था. एंड फिर 1988 में ही गॉट पद्मश्री अवार्ड. ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं कि इन विच ईयर ही गॉट साहित्य अकेडमी एंड पद्मश्री, एंड फॉर विच वर्क ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड. नेक्स्ट, हिज पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये इनकी बहुत ही बेहतरीन पोएम है एंड पर्सनली मुझे ये पोएम काफ़ी ज़्यादा पसंद है. तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज यूज एज अ स्टडी मटीरियल इन इंडियन एंड कोलंबियन स्कूल्स. इंडिया के स्कूल में आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही ये यूज होती है. आई थिंक क्लास 9th में शायद ये पोएम है, एंड उसके साथ ही कोलंबियन स्कूल्स में भी यूज की जाती है. एजिकल्स फर्स्ट बुक द बैड डे अपियर्ड इन 1952. सो वॉट इज द नेम ऑफ एजिकल्स फर्स्ट बुक द बैड डे, एंड इन विच ईयर दिस बुक अपियर्ड? सो दिस बुक अपियर्ड इन 1952. नेक्स्ट, हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री टाइम टू चेंज अपियर्ड इन 1952. देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे बुक की बात की जाती है तो वहाँ पे द बैड डे, एंड इफ कोई कलेक्शन ऑफ पोइट्री की बात की जाती है तो अ टाइम टू चेंज, एंड दोनों का पब्लिकेशन ईयर सेम है 1952. नेक्स्ट, लिंडा हेस ने कहा था एजिकल के बारे में कि एजिकल इज अ पोएट ऑफ द सिटी बॉम्बे. पूछा जाता है हु सेड एजिकल इज अ पोएट ऑफ द सिटी बॉम्बे, अवर आंसर विल बी लिंडा हेस. नेक्स्ट पॉइंट, के एस आयंगर ने कहा था एजिकल के बारे में, द अर्बन थीम फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट स्ट्रीम इन एजिकल्स पोएट्री. ये भी पूछा जाता है कभी, काफी बार ये जो स्टेटमेंट है ये दे दिया जाता है कि हु सेड दिस अबाउट एजिकल, सो आवर आंसर विल बी के एस आयंगर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एजिकल कॉल्स हिमसेल्फ अ पोएट रास्कल क्लोन, एंड इन विच वर्क इन हिज पोएम बैकग्राउंड कैजुअली. बैकग्राउंड कैजुअली में इन्होंने खुद को अ पोएट रास्कल क्लोन कहा था, एंड बैकग्राउंड कैजुअली इनकी अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है. नेक्स्ट, कैसर हक एक राइटर है, इन्होंने एजिकल के बारे में कहा था, ही नेचुरलाइज्ड द लैंग्वेज टू द इंडियन सिचुएशन एंड ब्रीथ लाइफ इन टू द इंडियन इंग्लिश पोएटिक ट्रेडिशन. ये भी पूछा जाता है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लेना, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको इसके लिए भी टाइम दे रही हूँ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट लाइन्स फ्रॉम एजिकल्स वर्क्स. लाइन्स पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, तो सबसे पहले है द सेंट हु टोल्ड यू वंस लिव्ड अ लाइफ ऑफ सिन. तो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम हिम्स ऑफ डार्कनेस, इनका जो कलेक्शन है पोएट्री का उससे ये लाइन ली गई है. नेक्स्ट लाइन, माई मदर ऑनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन. ये जो इनकी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम है इसकी लास्ट लाइन है. नेक्स्ट, द डीप कैन हियर द ब्लाइंड रिकवर साइट, एंड ये लाइन ली गई है पोएट लवर बर्ड एंड बर्ड वॉचर. ये इनकी एक पोएम है पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर. नेक्स्ट, आई वोक्ड अपॉन द नाइट आई लिसन टू द रेन अ टाइम टू चेंज, से ये ली गई है. नेक्स्ट है वॉट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड डू नॉट एक्सप्लेन. कितनी बेहतरीन लाइन है, देखिए, वॉट कैन नॉट बी एक्सप्लेन डू नॉट एक्सप्लेन, और ये लाइन ली गई है फिलोसफी. फिलोसफी इनकी एक पोयम है. नेक्स्ट, होम इज वियर वी हैव टूगेदर ग्रेस, और ये लाइन ली गई है एंटरप्राइज. एंटरप्राइज इज अ पोयम रिटन बाय निसिम एजिकल. नेक्स्ट, इनके कलेक्शन ऑफ पोएट्री की बात करें तो टाइम टू चेंज जो कि आया था आपका 1952 में. नेक्स्ट, 60 पोयम्स 1953, एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इन 1956. नेक्स्ट, द थर्ड
पब्लिश इन 1959 एंड द थर्ड एंड 60 पोएम्स, ये जो दो पोएम है इनकी, दीज टू पोएम्स डील्स विद सेक्सुअलिटी, ये भी पूछा जाता है आपको। जैसे यही चार ऑप्शन दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल कि विच ऑफ द पोएम डील विद सेक्सुअलिटी, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 60 पोएम्स एंड द थर्ड। ये कलेक्शन है पोएट्री का। नेक्स्ट, द अनफिनिश्ड मैन पब्लिश इन 1960 एंड द एग्जैक्ट नेम पब्लिश इन 1965, इनके ईयर भी पूछे जाते हैं एंड ये भी पूछा जाता है आपको। कोई सा भी एक इनका वर्क उठा के दे देंगे एंड कि ये किसने लिखा है, ये किसका वर्क है, तो इसलिए इन सब वर्क्स को याद कर लेना, इनको ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट, हिम्स इन डार्कनेस इन 1976। नेक्स्ट, लेटर डे सन्स इन 1982, इसी के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट, कलेक्टेड पोएम्स इन 1989, जो ये कलेक्टेड पोएम्स वर्क है इसमें इन्होंने अपने ये जो सभी वर्क्स हैं, ये कलेक्शन है इनका पोएट्री का 7 कलेक्शन, इन सभी को कलेक्ट कर लिया था, दैट्स वाई इसका जो टाइटल है ये कलेक्टेड पोएम्स रखा। नेक्स्ट, स्नेक स्किन एंड अदर पोएम्स रिटन इन 1974, तो ये जो है ये एक ट्रांसलेशन है एक मराठी पोएट का एंड मराठी पोएट का नाम है इंदिरा सेंट। ये भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसलेशन ऑफ मराठी पोएट, तो ये आंसर है हमारा स्नेक स्किन एंड अदर पोएम्स पब्लिश्ड इन 1974। और कौन से पोएट का ये ट्रांसलेशन है, ये है इंदिरा सेंट का, और किसने किया था, नसीम एजिकल ने किया था। नेक्स्ट, इनकी पोएम्स की बात करें तो फर्स्ट है इनका द कपल, देन एंटरप्राइज, अ टाइम टू चेंज एंड फिलोसफी, आईलैंड, द प्रोफेसर, फॉर एथना, सोप एंड मैरिज, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। देखिए यहाँ पे जो ये मैरिज है ये एक पोयम है और इन्होंने एक प्ले भी लिखा था जिस प्ले का नाम था मैरिज पोयम। तो अगर सिर्फ मैरिज करके आता है तो वहाँ मतलब वो हमारा आंसर होगा मैरिज इज अ पोएम, और अगर मैरिज पोएम करके वो लिखा हुआ आता है, हो सकता है ये कंफ्यूजिंग सा है तो ये क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्ले या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम। तो मैरिज पोएम अगर ये आता है तो हमारा आंसर वहाँ पे होगा प्ले, और सिर्फ अगर मैरिज लिखा हुआ आता है तो मैरिज इज अ पोएम, बट मैरिज पोएम इज अ प्ले रिटन बाय निसिम इजिकल एंड नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड बैकग्राउंड कैजुअली। इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वही जो मैंने आपको बताया था पोएट ट्रांसक्राइब कौन, काफी बार पूछा जाता है, ऑटोबायोग्राफी के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट, पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर एंड द पैराडाइज फ्लाई कैचर, इन द कंट्री कॉट, हाउ द इंग्लिश लेसन्स एंडेड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारी पोएम है माइंड में होनी चाहिए कि ये सारी पोएम्स निज़ म्यूजिकल की हैं, पूछी जाती हैं कि ये कौन से राइटर के। और मैरिज का ध्यान रखिएगा, मैरिज इज अ पोयम बट मैरिज पोयम इज अ प्ले। नेक्स्ट, हाँ देखिए, प्लेज बाय निसम म्यूजिकल, तो निसम म्यूजिकल का एक ये प्ले थे द थ्री प्लेस, इस नाम से आया था ये 1969, और उसमें थ्री प्लेस इंक्लूडेड थे। कौन कौन से प्लेस थे, पहला नलिनी अ कॉमेडी, ये एक थ्री एक्ट कॉमेडी थी, सेकेंड मैरिज पोयम, ये मैंने आपको जो बताया था ना अभी मैरिज पोयम, तो मैरिज पोयम जो है ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है, और अगर सिर्फ मैरिज करके आता है तो वो पोयम है एंड मैरिज पोयम करके आता है तो वो हमारा प्ले है। एंड थर्ड था इनका स्लीप वॉकर, स्लीप वॉकर के बारे में पूछा जाता है क्योंकि अक्सर क्या होता है हम लोग यही देखते हैं कि ये पोएट है तो इन्होंने प्ले नहीं लिखे होंगे, तो पोएम के बारे में कम लेकिन प्लेस के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो बस तीन चार ही प्ले हैं, इनको तो याद कर लेना, नलिनी अ कॉमेडी इज अ प्ले बाय निज़म इज़िकल, मैरिज पोएम इज अ प्ले बाय निज़म इज़िकल एंड स्लीप वॉकर। एंड उसके बाद यहाँ एक प्ले और लिखा था, ये भी 1969 में ही लिखा था, सॉन्ग ऑफ डिप्रिवेशन, तो इसको इनका फोर्थ प्ले भी माना जाता है क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो ये ऊपर वाले तीनों प्लेस हो गए, द थ्री प्लेस जो 1969 में आए थे ये तीनों प्लेस इसमें इंक्लूडेड थे, एंड नेक्स्ट इज सॉन्ग ऑफ डिप्रिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोज इन्होंने लिखे थे सेलेक्टेड प्रोज करके इन 1992, ये भी पूछा जाता है कि सेलेक्टेड प्रोज इज रिटन बाय होम, सो निज़म म्यूजिकल इन विच ईयर, इन 1992। नेक्स्ट, कुछ एसेज भी ये लिखा करते थे निज़म म्यूजिकल, तो एसेज में इन्होंने लिखा था नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन,
1976 में ये लिखा था, पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मॉडर्न आर्ट इन इंडिया इन 1970 एंड हाउ नॉर्मल इज नॉर्मेलिटी पब्लिश इन 1972, ये भी पूछा जाता है। तो इसमें मेनली जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये है कि जूस पोएट के बारे में पूछा जाता है, एंड लाइफ स्पेन पूछा जाता है, एंड आल्मा मीटर कभी कभार पूछा जाता है इनका, एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला था, कब मिला था ये पूछा जाता है, एंड प्लेस के बारे में पूछा जाता है। पोएम्स में नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड कैजुअली से क्वेश्चंस आते हैं, और इनका जो ऐसे है नाइपॉल्स इंडियन माइन, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस यही मेन मेन चीजें हैं जो इसमें पूछी जाती हैं, और लाइंस जो मैंने आपको बताई है वो लाइंस पूछी जाती हैं। तो यही सब कुछ है। तो दिस इज द एंड ऑफ टूडेज टॉपिक। इसके बाद में नेक्स्ट जो भी आप लोग काफी टाइम से कह रहे थे कि इंडियन राइटर्स पे वीडियो बनाए, तो नेक्स्ट जो भी बचे हुए हमारे हैं जैसे कि कमला दास, अरविंद अदिगा, जो जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में भी अगली वीडियोस आएंगी। और स्क्रीनिंग की वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरा जो दूसरा चैनल है आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप लोग लाइक और शेयर बहुत कम कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।